22 मई से 28 मई 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए, ये राशिफल हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई, इस सप्ताह में देखें कि आपके जो नेटवर्किंग है ना, आपके जो सामाजिक रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा उठापटक होने वाली है सप्ताह की शुरुआत में। उठापटक का मतलब कि कुछ संबंध बिगड़ेंगे और कुछ नए संबंध बनेंगे। पुराने चल रहे कुछ भी जो सौदे हैं आपके, वो अपने पूरी कंप्लीशन तक पहुंचेंगे। कोई नई डील हो सकती है। इवन प्रॉपर्टी मैटर जिन लोगों के चल रहे थे ना, वो इस सप्ताह में कंप्लीट हो सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी के लेने या किसी प्रॉपर्टी के बेचने के योग बन रहे हैं। ये सप्ताह ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा ना, आपके जीवन में फायदे बेनिफिट्स ये बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगे। सप्ताह के एंड में स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छी ऊर्जा के योग हैं, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के योग हैं। हाँ, यहाँ पे एक उपाय बनता है जिससे इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ आके जुड़ेंगी, और ये उपाय है कि आपने सोमवार वाले दिन थोड़ी सी बर्फी किसी भी शिव मंदिर में अर्पण करके आनी है। इससे मेष राशि वालों के लिए पूरे का पूरा सप्ताह जो है ना, ये ज़बरदस्त रहेगा। अब मेष के बाद अगर हम बात करें वृष वालों की, भाई मनी मैटर्स आपके लिए इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट होने वाले हैं, धन के लाभ होने वाले हैं। पिछला रुका हुआ पैसा जो है वो आने जा रहा है। ये सप्ताह ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा, आप अपने काम में व्यस्त से व्यस्ततम होते जाओगे, जिसकी वजह से कुछ एक लोग हैं वो जो इग्नोर हो जाएंगे, वो आपसे थोड़ा सा रूठ सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह में कोशिश करिए सभी को साथ लेके चलिए। आपने संडे या मंडे वाले दिन थोड़ा सा हरा कपड़ा, ये किसी भी माप का हो, किसी भी माँ दुर्गा के, माँ भगवती के, माँ चंडी के किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। इससे इस सप्ताह की जितनी अच्छी ऊर्जाएं हैं ना, वो सारी आपके साथ आके जुड़ेंगी। अब वृष के बाद अगर हम मिथुन वालों की बात करें, तो भाई इस सप्ताह में स्वभाव आपका थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, नेचर थोड़ी सी वोलाटाइल, थोड़ी सी रिएक्टिव रह सकती है। हालांकि ये सप्ताह की शुरुआती दिनों की बात है, सोम मंगल बुध तक, गुरुवार से लेके रविवार तक का जो सप्ताह है ना आपका, इसमें आपका जो पैसा कमाने की क्षमता है वो बढ़ेगी। मनी के प्रति आप मैग्नेट हो जाओगे और विशेष तौर पे लोगों में लोकप्रिय भी हो जाओगे। लेकिन चिड़चिड़ेपन से कैसे बचें? भाई मंडे वाले दिन किसी भी बरगद के पेड़ को मीठा दूध चढ़ा के आइए। यकीन मानिए, ना चिड़चिड़ापन आएगा और ना इसकी वजह से इस सप्ताह में आपको कोई दिक्कत आएगी। अब अगर इसके बाद हम बात करें कर्क यानी कैंसर साइन वालों की, भाई आप लोगों के लिए कुछ अप्रत्याशित खर्चे जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, वो इस सप्ताह में आप पे आ सकते हैं। लेकिन ये जो अप्रत्याशित खर्चे हैं ना, ये किसी बुरी चीज़ पे नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है घर की किसी रिपेयर में या घर में कोई लग्जरी चीज़ लाने में ये खर्चे हो सकते हैं। इवन कोई टूर एंड ट्रेवल में भी ये खर्चे जो हैं इंडिकेटेड हो रहे हैं। और इस सप्ताह में आपके घर में कोई छोटा मोटा अनुष्ठान या कोई धार्मिक आयोजन होने की संभावना भी बन रही है। इस सप्ताह में पूरा सप्ताह आप अपनी बेड साइड पर पानी रख के सवेरे उसको पौधों को डालिए। ये उपाय इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही अच्छे बैलेंस क्रिएट करके रखेगा। अब अगर सिंह यानी लियो वालों की बात करें, तो भाई आपके लिए क्या है कि इनकम का सितारा अच्छा होने वाला है। इस सप्ताह में आपको कोई नया प्रोफाइल मिल सकता है, कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, दुकानदार या अपने काम वाले लोगों को नए क्लाइंट मिल सकते हैं, जिसकी वजह से ये सप्ताह आपके लिए इनकम के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा काम में किसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपके कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। मंडे वाले दिन शिव मंदिर में शाम को जाइए और वहाँ पे चंदन की एक लकड़ी जो है बड़ी श्रद्धा से रख के आइए। ये उपाय आपके लिए पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब अगर हम बात करें कन्या वालों की, भाई आप लोगों के लिए इस सप्ताह में काम कारोबार में बड़ा सतर्क रहने का समय है। किसी लापरवाही की वजह से काम में कुछ चीज़ें पेंडिंग रह सकती हैं और उस वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके बॉस जो हैं वो ऑपोजिट जेंडर के हैं, तो उनसे भी आपको कुछ अड़चनें आ सकती हैं। इवन काम कारोबार में भी ऑपोजिट जेंडर से किसी आर्गूमेंट से बचिए। अव्वल तो किसी से भी आर्गूमेंट से बचिए, लेकिन ऑपोजिट जेंडर से आर्गूमेंट इस सप्ताह में आपके लिए कुछ बैकफायर कर सकता है। सब्र बढ़ाइए। इस सप्ताह में केवल एक उपाय है और वो उपाय भी मंडे वाले दिन आपने करना है। मंडे वाले दिन कच्चे दूध में चावल डाल के शिवलिंग पर अर्पण करके आइए। यकीन मानिए, ये उपाय पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब अगर हम तुला यानी लिब्रा वालों की बात करें ना,
भाई नेचर थोड़ी धार्मिक हो सकती है, अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, इवन आप जो भी आपकी पूजा पद्धति है ना उसमें भी कोई ना कोई परिवर्तन लाने का योग बन रहा है। इवन इस सप्ताह में आपके मन में आएगा कि घर के पूजा स्थान में भी कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएँ या घर में कोई धार्मिक आयोजन करवाया जाए। इस सप्ताह में कोई प्रॉपर्टी का जो मैटर है ना वो आपके लिए बड़ा अच्छा रिजॉल्व हो सकता है। पुराना चलता हुआ कोई पुराना मैटर जो रहेगा वो इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इस सप्ताह में एक सरल उपाय है और ये उपाय जो है ना पीपल के पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ पे जाइए और जो चीनी का पाउडर होता है, बुरादा चीनी जो होती है, वो पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए। बस इतना भर करना है और फिर पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा आपके साथ जुड़ी रहेगी। अब अगर हम वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना इसमें आपके लिए एक बहुत बड़े सबक से आपका ये मैं फलित शुरू कर रहा हूँ। इस सप्ताह में आपको काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना है। इस सप्ताह में ऊर्जाएं आपको ना ट्रिगर करेंगी भड़कने के लिए, और आपका वृश्चिक राशि है, गुस्सा वैसे ही आपको थोड़ा जल्दी आ जाता है, और ये ऊर्जाएं जब आपको ट्रिगर करेंगी ना तो आपका उलझना, आपका भड़कना, आपका गुस्से में आना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा, और जिसकी वजह से होंगे आपको बहुत सारे नुकसान। काम में बहुत बिजी रहेंगे ना तो ये उलझना भड़कना जो है ना बहुत पीछे रह जाएगा। तो एक ही मंत्र है इस सप्ताह में, काम 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 और काम। इस सप्ताह में एक सरल उपाय है और ये उपाय जुड़ा हुआ है धर्मस्थान से, स्पेशली शिव मंदिर से। आपने शिव मंदिर में पीला फूलों का हार शिवलिंग पे मंडे वाले दिन अर्पण करके आना है। इससे ना आप भड़केंगे ना ट्रिगर होने की नौबत आएगी और फिर पूरा सप्ताह आपके लिए हर लिहाज से बेहतर होता चला जाएगा। अब अगर हम धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना ये जीवन साथी को क्वालिटी समय देने का है। जीवन साथी से रिश्ते अच्छे बना के रखिए। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी ना उनके अब शादी ब्याह की नौबत आने के आसार बन रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा रिश्ता ट्रिगर होने के आसार बन रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड है ना वो जीवन साथी से किसी ना किसी बात पे अनबन करके अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा खराब कर बैठेंगे। थोड़ा सा सब्र ही रखना है आपको। इस सप्ताह में गौशाला में गाय को सातों के सातों दिन हरा चारा खिलाते रहिए, फिर देखिएगा ये सप्ताह आपके लिए कितना अच्छा बन जाता है। अब अगर मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें ना, भाई आप लोगों के लिए सेहत की संभाल करना बड़ा ज़रूरी है। गैस्ट्राइटिस या गर्मी की वजह से या ओवर एक्सपोजर की वजह से या काम में ज़्यादा बर्नआउट होने की वजह से आपको कुछ सेहत की दिक्कतें आ सकती हैं। इस सप्ताह में आपको सौंफ और थोड़ा सा गुड़ लेके किसी भी मंदिर में डोनेट करके आना है। इसको सोमवार या मंगलवार करिए। ये उपाय आपके लिए पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को और सेहत को भी आपके साथ जोड़ने में आपका सहायता करेगा। अब अगर कुंभ यानी क्वेरियस वालों की बात करें ना, भाई स्टूडेंट्स के लिए तो ये सप्ताह है बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन उनका थोड़ा मूड फ्लक्चुएट होता रहेगा लेकिन फोकस अच्छा बना रहेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो वो इनके लिए रहेगा बहुत ज़बरदस्त। लेकिन आपको इस सप्ताह में आने वाले समय की प्लानिंग करनी है, लिख के प्लानिंग करिए, अगले 6 महीने का सोच लीजिए। ये समय प्लानिंग का है। इस समय की गई प्लानिंग आपको बहुत लंबे समय तक अच्छे फल देने वाली है। सरल उपाय है, आटा लीजिए मंडे वाले दिन। ये आटा 1 किलो 5 किलो 10 किलो कितना भी हो सकता है और किसी ज़रूरतमंद को दान करिए, फिर देखिएगा कि इस सप्ताह की कितनी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ती हैं। अब अंत में हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। भाई क्वालिटी समय खुद को और अपने परिवार को ये सप्ताह में देना ज़रूरी है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सप्ताह है बहुत बढ़िया, और जो लोग पॉलिटिक्स में जाना भी चाहते हैं ना तो इस सप्ताह में उनको मिलेगा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। इस सप्ताह में आप अपने इष्ट को लगातार याद करते रहिए, पूजा अर्चना एक कंट्रोल्ड वे में करते रहिए, फिर पूरा सप्ताह आपके लिए रहेगा बहुत ही अच्छा। उपाय के तौर पर सप्ताह के सातों दिन थोड़ा सा केसर का तिलक अपने मस्तक पे माथे पे लगाते रहिए, इससे सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ी रहेंगी। तो दोस्तों ये था 22 मई से 28 मई 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही जबरदस्त बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।